पोलिटिकल पार्टियां प्रभावित कर रही ने बार बार धरने दे रही तुम प्रेशराइज कर रही वा उन्हों की परवाह किए बगैर इस केस की सच्चाई सामने आनी चाहिए है। ये 306 का परचा दर्ज होया 306 नहीं है 302 है, ये खुदकुशी नहीं है, यह कतल है। ये सच्चाई सामने सारे आनी चाहिए है, किसी बगैर किसी पोलिटिकल दबाव के उत्ते अं अज सारे जने इस करके आए हैं भी ये सारा केस है तो उन्होंने सच्चाई बाहर लियाओ। देखो जी असी तो बार बार कटांगे जी, असी तो यो कहने भी सानू सच्चाई का पता लगना चाहिए वा, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जे असी अज कटिया जे सानू सच्चाई का नहीं पता लगेगा या इनक्वायरी सही ढंग नहीं होगी असी परसों फिर भी कट सकते हैं, चौथे फिर भी कट सकते, असी कटते रहेंगे जिन्ना चिर साढ़े बब्बू के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाए। अज असी सारी हल्का जिहड़ा दखनी आ सारी जो हल्के दखनी संगत आई आ कैंडल मार्च वास्ते बब्बू वीर की आत्मा को शांति मिले। तो एस पी साहब को मेमोरेंडम दिता गया वा भी ए जी जाँच आ तसलीपूर्वक होनी चाहिए आ, किसी भी तरह का राजनीतिक जिहड़ा दबाव आ नहीं होना चाहिए पुलिस के उत्ते, तो ये कातलों को जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इस करके अज सारे रोस प्रदर्शन शांतिपूर्वक कैंडल मार्च राही किया गया। जो पिछे जी अपने एक वीर जिहड़ा वा उहदी मौत हो चुकी सी, तो कुछ पोलिटिकल बंदिया ने उहदी जिहड़ी मौत है जां कतल आ उहनूं सुसाइड का नाँ दे के ते राजनीति करन दी कोशिश की गई आ। अज साडे वीर जिहड़े इस करके इकट्ठे होए आ कि जे जो भी उसका कतल होया जो हालात जिहड़े आ उह हालातां दे हिसाब नाल लग रहा कि उहनां दा कतल होया, वह कतल जिहड़ा होया उहदी सारे मसले की डूंघाई नाल जांच की जाए तो असल कातल जिहड़े आ उह सामने लिआंदे जाण, ना किसी पोलीटल पार्टी के दबा हेठ आ के कार्रवाई की जाए बल्कि जो सच्चाई आनू सामने लिया जाए। वो करके वीर कट्ठे हुए आ कि कोई भी नजायज बंदा इस मसले के राजनीतिक बंद शह के नाल फसाया ना जाए, जो कातल ने वो सारे सामने लिया जाए।